गुड मॉर्निंग गाइस, ऑटो गियर में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है हर्ष गुलाटी। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बैन लगा है डीजल कार्स पे 10 साल का, उस बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं कि क्या लॉ है, कैसे वो काम करता है। क्योंकि मैंने सोचा इस वीडियो को इसलिए बनाया जाए क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले अपने फ्रेंड के साथ एक सेकेंड हैंड कार देख रहा था। उसे सेकेंड हैंड कार लेनी थी तो डीलर अभी भी ये बोल के बेच रहे हैं डीजल कार्स को कि आप 15 साल तक इसे यूज़ कर सकते हैं, आप 15 साल की उस पर वैलिडिटी है। दरअसल मैंने सोचा कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए और एक सही जो लॉ है उसको इंटरप्रेट किया जाए। अब मैं बात करूं 2015 से पहले की कार्स की, जैसा आपने देखा होगा पेट्रोल के पे, पेट्रोल की गाड़ी जो है उसकी आरसी पे भी वैलिडिटी है 15 इयर्स तक की, 15 साल तक की। और जो डीजल कार्स हैं 2015 से पहले की उस पे भी, उसकी आरसी पे भी वैलिडिटी है 15 साल तक की, यानी 15 इयर्स तक की। एक्चुअली 2015 में एनजीटी ने अनाउंस किया था कि डीजल कार्स जो हैं वो अब 10 साल तक ही वैलिड रहेंगी। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका था 2018 में। तो लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं अभी भी कि हम जो पहले ही कार्स हैं वो 15 साल तक यूज़ करें या 10 साल तक यूज़ करें, 10 साल बाद हम उस गाड़ी को चला सकते हैं रोड पे या नहीं चला सकते। देखो पेट्रोल जो है वो तो 15 साल तक ही वैलिड है, डीजल पे वैलिडिटी कम हो गई है, 10 साल हो गए हैं। क्योंकि दरअसल डीजल कार जो है वो लगभग एनजीटी ने ऐसा कहा, मुझे नहीं लगता क्योंकि डीजल इंजन पहले के जो थे वो बहुत पुराने थे, इतने स्मूथ नहीं थे। अब जो डीजल इंजन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, रिफाइंड है। अगर आप ह्यूंडई की डीजल कार देखो, इनफैक्ट उसमें पता भी नहीं लगता कि इंजन स्टार्ट है या नहीं है, तो इतने रिफाइंड वो इंजन हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना पॉल्यूशन लेवल वो क्रिएट करते होंगे या नहीं करते होंगे। मारुति ने तो इनफैक्ट डीजल कार्स बंद कर दी 2020 में ही, उन्होंने डीजल इंजन बनाना बंद कर दिया, उनकी सिर्फ पेट्रोल कार्स आती हैं, अब हाइब्रिड सिस्टम वो लाए हैं। तो डीजल जो बात करूं, एनजीटी का कहना था डीजल कार्स जो हैं 15 गुना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल क्रिएट करती हैं पेट्रोल कार से, और सीएनजी फ्यूल से लगभग 40 गुना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल जो है वो क्रिएट करती है। इसलिए एनजीटी ने कहा कि डीजल कार जो है वो अब से 10 साल तक ही वैलिड रहेगी, 10 इयर्स तक ही वैलिड रहेगी, यानी कि 10 साल के बाद आप उसे रोड पे नहीं चला सकते, वो अगर आप चलाएंगे तो वो इलीगल होगा। अब कंफ्यूजन पैदा यहाँ होती है, जिन्होंने 2015 से पहले ली थी डीजल कार उस पे वैलिडिटी है, डीजल कार पे वैलिडिटी है 2015 से पहले जो थी वो है 15 इयर्स तक की, और 2015 के बाद जो है वो 10 साल तक की वैलिडिटी है। अब जो 10 साल की वैलिडिटी है उस पे तो आपको क्लियर है कि 10 साल ही चलानी है, उससे ऊपर हम नहीं चला सकते। जो पहले की डीजल कार थी 2015 से पहले की उस पे 15 इयर्स तक की वैलिडिटी है, तो उस पे लोग कंफ्यूज हैं कि हम इसे चला सकते हैं 10 साल बाद या नहीं चला सकते। इनफैक्ट वेल बात करूं तो उसे आप एनसीआर में नहीं चला सकते, क्योंकि ये जो रूल है 10 इयर्स वाला ये एनजीटी ने सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए निकाला है। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, जैसे गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, दिल्ली, इन सब के लिए ये रूल आया है। और अगर एनसीआर के बाहर बात करूँ वहाँ आप बिल्कुल चला सकते हैं वो डीजल कार्स, वहाँ आप बेच भी सकते हैं। वेल वैल्यू तो वैसे भी आपकी रीसेल वैल्यू जो है वो तो कम हो ही जाएगी क्योंकि आप उसे एनसीआर में नहीं चला सकते। दरअसल एनसीआर जो है ज़्यादा मेन वो माना जाता है रीजन जो है इंडिया का, जहाँ पे जो थोड़ा सा डेवलप है, जहाँ लोग रहते हैं। अब बात आती है कि जो आरसी रिन्यूअल है वो हो सकता है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम आरसी अपनी रिन्यू करा सकते हैं, उस पर जो वैलिडिटी पीरियड है उसे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। अब क्या रूल है उसको, उसके रिगार्डिंग, आरसी रिन्यूअल के रिगार्डिंग, दरअसल पेट्रोल की जो कार्स हैं वो 15 साल तक वैलिड है, उनका 15 साल का पीरियड जो है आप उसमें चला सकते हैं। जो पहले कार्स आ रही थी उस पर भी 15 साल है पेट्रोल की, और जो अब कार्स आ रही हैं उस पर भी 15 साल तक की वैलिडिटी है। अब 15 साल बाद उस पर एक फिटनेस टेस्ट होगा, जैसे जिनको गाड़ी रखनी है अभी भी तो वो उसको लेके एक फिटनेस टेस्ट होता है। बात करूँ पोल्यूशन लेवल चेक होता है, इंजन रोड पे चलने लायक है या नहीं, गाड़ी की जो बॉडी है चेसी है वो रोड पे चलने लायक है अभी या नहीं, तो वो वैसा एक फिटनेस टेस्ट होता है। उसके अगर वो फिटनेस टेस्ट में क्लियर कर जाती है आपकी कार,
तो आप उसकी आरसी जो है वो रिन्यू करा सकते हैं नेक्स्ट ओनली नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी जैसे 15 साल है तो अगले 5 साल यानी टोटल 20 साल हो गए। अब बात करते हैं कि आरसी आपको कैसे रिन्यू करवानी है। आप आरटीओ में जा सकते हैं, वहाँ पे फॉर्म 25 आप ले सकते हैं और भर के विद जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगे वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उन्हें दे सकते हैं विद अ फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपकी गाड़ी ने फिटनेस टेस्ट क्लियर करा होगा उसे। आप इसे आरटीओ की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 25 इसका नाम है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे हैं आप फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ वो भर सकते हैं फॉर्म 25 में लगा के, तो आपकी गाड़ी की जो है वैलिडिटी 5 साल और बढ़ जाएगी। अब मैं बात करूँ डीजल कार्स की, तो डीजल कार्स पे जो है सिर्फ 10 साल तक का ही रूल है, उस पे अभी ऐसा कुछ नहीं आया है कि आप 5 साल एक्स्ट्रा ले सकते हैं आरसी रिन्यू उसकी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, ऐसा कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है। तो डीजल कार्स जो है अभी तक सिर्फ 10 साल तक के लिए ही वैलिड है। मैं बात करूँ कुछ स्क्रैप पॉलिसी भी आई है अभी 2021 में, तो उसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या है वो स्क्रैप पॉलिसी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि स्क्रैप पॉलिसी एक्चुअली है क्या। अब धीरे धीरे देखा होगा कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं इंडिया में, जैसे टिगोर ईवी आने वाली है, और भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं जैसे नेक्सॉन ईवी है, एल्ट्रोस ईवी आने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इन पे बात करूँ तो काफ़ी लोगों के मिथ्स हैं कुछ सारे कि जैसे बीच में बंद हो गई तो क्या होगा। गवर्नमेंट धीरे धीरे सब कर रही है, चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है, जैसे मैंने नोएडा में देखा है वहाँ पे है चार्जिंग स्टेशन, दिल्ली में एक जगह देखा था वहाँ भी था चार्जिंग स्टेशन। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि बीच में बंद हो गई तो क्या करें। दरअसल क्या होता है, जैसे जो आपकी रेंज है 250 350 किलोमीटर जो भी है गाड़ी में, उसके बाद भी जैसे पेट्रोल में रहता है, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में भी रहता है कि आप एक रिजर्व में उसे चला सकते हैं, पेट्रोल पंप तक आप उसे ले जा सकते हैं अगर आपका पेट्रोल कहीं ख़त्म हो जाए। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, बैटरी जो है रेंज जो है रिजर्व में पड़ी रहती है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं जब आपकी रेंज ख़त्म हो जाए और आपको चार्जिंग स्टेशन कहीं मिला ना हो। कुछ हो सकता है जैसे कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन हो सकता है ताकि आप उस रेंज को चार्जिंग स्टेशन तक लेके जा सकें। तो इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आप कमेंट करिए अगर आपको स्क्रैप पॉलिसी जाननी है तो मैं बिल्कुल उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड नाइट।